देखिए राजीव जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस का नेतृत्व जो है इंडिया गठबंधन ने स्वीकार किया है। आज जो ममता बनर्जी का प्रस्ताव था और अरविंद केजरीवाल का उसको समर्थन था, उसका सीधा मतलब यह है कि अब वो लोग ये मान गए हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसका सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और कांग्रेस का ही नेता कोई जो है वो इसको लीड करेगा। अब ये अलग बात है कि ये बहुत अर्ली स्टेज है, न इसके लिए कांग्रेस तैयार है और न जैसा कि आपने सीताराम सुना, सीताराम येचुरी कह रहे थे कि अभी ये बात कहीं नहीं है। तो सबसे पहली बात है चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के बाद ही नेतृत्व का सवाल पैदा होगा। अभी इन सारी चीजों को तूल देना सिर्फ खबरें बनाने के मकसद से है और इसका कोई और बड़ा उद्देश्य नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। मीडिया यही चाहता है कि इस विषय पे ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, बीजेपी भी यही चाहती है कि इस विषय पे ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, मगर कांग्रेस जानती है अच्छी तरह और इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल भी जानते हैं अच्छी तरह कि ये मुद्दा अभी बात करने का है नहीं है। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किस तरह इंडिया गठबंधन लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। अभी हो क्या रहा है कि काम तो कांग्रेस भी अच्छा कर रही है, तीनों राज्यों में किया उसने, 40% वोट भी मिले मगर जीत नहीं पाई। इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी कर रहे हैं, लेकिन बात का थोड़ा सा हिस्सा जनता तक पहुंच रहा है, मीडिया उसको पहुंचाता नहीं है और गठबंधन के पास या कांग्रेस के पास कोई दूसरा साधन अभी तक नहीं है या उसको वो निकाल नहीं पाए हैं कि किस तरह जनता तक अपनी बात पहुंचाए। तो इसलिए जो 8-10 बड़ी रैली करने का फैसला किया है ये एक बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट जनता के पास जाना, राहुल ने जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी तब उन्होंने यही कहा था कि मैं ये यात्रा इसलिए कर रहा हूं कि सदन के अंदर माइक बंद कर दिया जाता है, मीडिया छापता नहीं है, तो हम लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। तो इसके दो ही माध्यम होते हैं, एक नेता सीधे जनता के पास जाए और दूसरा जो है कार्यकर्ता जो है वो जनता के पास जाए। तो इसके लिए कांग्रेस को भी और गठबंधन के जो दूसरे दल है उनको भी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना पड़ेगा कि कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी की बात करें। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम में कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना मजबूत था कि वो हर घर घर जाता था और वहां लोगों तक अपनी बात पहुंचाता था। ये जो मीडिया है जिसको हम राइटिस्ट मीडिया कहते हैं, जिसको हम प्रतिक्रियावादी मीडिया कहते हैं, ये हमेशा से दक्षिणपंथियों के साथ रहा है, प्रतिक्रियावादियों के साथ रहा है। सरकार अगर किसी दूसरी पार्टी की है तो थोड़ा बहुत मजबूरी में उसकी बात कह देता था, मगर मन से ये कभी भी जो है प्रोग्रेसिव ताकतों के साथ नहीं रहा है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं का प्रीवी पर्स खत्म किया, तो ये सारा मीडिया उनके खिलाफ आ गया था। खैर, तो आज की तारीख में ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, एक 8 या 10 मीटिंग करना और इसकी शुरुआत पटना से। आपको याद ही होगा कि पटना में ही इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग हुई थी और ये तो सब जानते ही है कि गांधी मैदान का क्या महत्व है। गांधी मैदान में जो भी मीटिंग होती है वो कहां दूर दूर तक पहुंचती है। गांधी मैदान बहुत बड़ा है, विशाल है, 4-5 लाख लोग से कम अगर उसमें आते हैं तो मालूम ही नहीं पड़ता कि लोग आए हैं। और ये ताकत नीतीश कुमार में और तेजस्वी यादव में, लालू यादव में है कि पूरा गांधी मैदान वो भर सकते हैं। तो वहां से मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। इसके अलावा जो एक खास बात है कि जिस तरह सरकार ने निलंबन किया है विपक्ष का, वो तो चलो ठीक है ये विपक्ष है, मगर उन्होंने अपने ही लोगों को, आडवाणी को और जोशी को राम मंदिर के उद्घाटन में आने से मना करवा दिया कि आप ना आए, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, कृपया घर बैठे। सबसे ज्यादा संस्कृति और परंपराओं का नाम ये पार्टी लेती है, सबसे ज्यादा बोलती है कि बुजुर्गों का सम्मान करो। आडवाणी और जोशी केवल बुजुर्ग और वरिष्ठ नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया और आज यहां तक लाए हैं इसको। तो ये उनको भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इन्हें डर है कि जोशी और आडवाणी के वहां जाने से कहीं मोदी जी का जो है प्रभाव कम ना हो जाए। वो ये सोचते हैं कि ये दोनों वहां जाएंगे तो मीडिया इनकी तरफ भागेगा कि अरे आप ही लोग तो थे जो यहां तक लाए। तो आज वो अपने सारे अतीत को और इतिहास को भुला देना चाहता है, जैसे नेहरू को भुला देना चाहता है, इंदिरा गांधी को। अभी आपने देखा कि उसकी सालगिरह थी बांग्लादेश विजय की, इंदिरा गांधी का कहीं नाम नहीं लिया गया, इंदिरा गांधी का नाम बाकायदा उड़ा दिया गया। तो इंदिरा गांधी और नेहरू का नाम भी उड़ाएंगे तो वाजपेयी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम भी उड़ाएंगे। और ये मैसेज जनता के साथ बीजेपी में भी जा रहा है। बीजेपी में आज यही बात हो रही थी, ये तो ठीक नहीं है, हालांकि डर के बोल रहे थे लोग। मैदान को आज की तारीख में सिर्फ लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यही भर सकते हैं, और अभी काफी टाइम है उसमें, 1.5 महीना है करीब, और ये लोग भर के दिखाएंगे। और वहां से जो मैसेज जाएगा देश भर में वो बहुत बड़ा मैसेज होगा। देखिए, ये पहली मीटिंग तो होने वाली थी भोपाल में, मगर कमलनाथ जी ने उसको नहीं समझा और वो कैंसिल कर दिया। अगर कमलनाथ वो रैली करा लेते तो शायद हो सकता था कि मध्य प्रदेश का भी नतीजा कुछ और होता, लेकिन उन्होंने इसको नहीं समझा। देखिए, विपक्षी एकता आज की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि सब लोग ये समझ रहे हैं कि अगर विपक्ष एक है तो हम फिर उसके साथ जा सकते हैं। लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। अभी जो सिन्हा साहब बता रहे थे, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो आइडियोलॉजिकल रेंज है, ये इससे पहले वाकई 67 में और 74 में ही देखने को मिली है, कुछ हद तक 89 में भी देखने को मिली है, और कुछ हद तक अगर हम कहें 212 में भी देखने को मिली है, जब अन्ना हजारे के साथ भी ये सारे लोग एक हो गए थे। तो ये जो है जनता में बहुत बड़ा मैसेज पहुंचाती है ये, कि एक तरफ लेफ्ट और लेफ्ट का कौन सा विंग, CPIM जैसा, जिसके साथ खड़े होने को एक टाइम में CPIM भी तैयार नहीं थी। CPI हो गई थी, लेकिन CPIM कहती थी कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, तो वो। और दूसरी तरफ जाहिर है कि केजरीवाल जैसे लोग भी हैं और दूसरे और भी कुछ लोग हैं। तो ये जो है जनता के बीच में बड़ा सीधा मैसेज देती, तो इसका मतलब है कि अब विपक्ष जो है समझ गया है कि हमारी एकता बहुत जरूरी है, हमारे आपसी झगड़े हैं, तमाम तरह के मतभेद हैं, वो दूर हो जाएंगे, मगर उससे पहले मोदी जी का हटना जरूरी है। देखिए, संसद में जो हुआ पिछले 3 दिन में, उससे बहुत साफ मैसेज गया है कि अगर 2024 में मोदी जी आ जाएंगे तो विपक्ष फिर वहां होगा ही नहीं। अभी सॉरी, अभी पूरे सत्र के लिए निकाला है, फिर कब तक के लिए निकालेंगे, आने देंगे या नहीं आने देंगे, कहना बहुत मुश्किल है। अभी आपने देखा है किस तरह निकाला, हम रोज देख रहे हैं कि थोक के भाव में नाम लिया बाहर। रामगोपाल यादव का सही कह रहे थे अभी कि रामगोपाल यादव तो कभी बेल में आते ही नहीं है, बहुत सीनियर सांसद है, उनको भी निकाल दिया। तो ऐसे जाने कितने मेंबर हैं जो कभी भी कुछ करते ही नहीं है, बहुत शांत रहते हैं, बहुत अनुशासित रहते हैं, मगर सबको निकाल दिया। एक जो पिछले लिस्ट में निकाला था मालूम है कि वो सांसद तो थे ही नहीं उस दिन, DMK के, उनको निकाल दिया था। तो ये मनमर्जी का काम है पूरा का पूरा, और इसको जो है अब विपक्ष समझ गया है और वो अब गियर अप हो रहा है। दूसरी जो बात है कि EVM की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, आज का ये प्रस्ताव है, मगर इससे पहले कांग्रेस अपने सम्मेलन में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था 7-8 साल पहले, उसमें एक प्रस्ताव पारित कर चुकी थी EVM के खिलाफ। अब देखिए उसमें क्या है कि थोड़ा सा इसको कांग्रेस को भी और विपक्ष को गंभीरता से लेना पड़ेगा। EVM अगर मैनेज होता है तो कोई इंसानी करता होगा ना उसको, तो कांग्रेस अभी तक कड़ा मैसेज नहीं दे पाई, या इंडिया गठबंधन नहीं दे पाई कि सावधान, इस तरह की कार्रवाई बंद हो। आपको याद होगा कि 2014 से पहले गडकरी के खिलाफ छापे पड़े थे गडकरी के ऊपर, और गडकरी ने कहा था उस टाइम अफसरों से कि देखो अगर मेरे ऊपर छापे डाले तो मैं सत्ता में आया, वो सारे छापे ढीले पड़ गए थे। दूसरी जो एक खास बात है वो ये है कि 2024 तक तो EVM रहेगा ना, EVM हटने वाला नहीं है ना, तो आप क्या कर लेंगे? तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको दो मैसेज बड़े सख्त देना है। एक मैसेज देना है
चुनाव आयोग को और कहते हैं कि चुनाव आयोग के पास भी इसका कंट्रोल नहीं है, वो कहीं और है जहां से बने हुए हैं ईवीएम, जो भी है। हम बार बार कहते हैं, इनसे भी बात होती है, कहते हैं कि करने वाला तो इंसान ही है ना कोई, तो आप उसको कड़ा मैसेज क्यों नहीं देते हो? और कर रहा है तो बेईमानी कर रहा है कि ये बेईमानी बंद कर दो। और दूसरा ये मैसेज भी आपने अभी तक नहीं दिया कि अगर हम सत्ता में आ गए तो ईवीएम को हटा देंगे, हम ही लाए थे हम ही हटा देंगे, कांग्रेस ही लाई थी इसको। आज तक मैंने नहीं सुना कि कांग्रेस ने ये कहा हो या इंडिया गठबंधन ने कहा हो कि हम ईवीएम को हटा देंगे, वापस मतपत्र के जरिए ही पोलिंग होगी। ये मैसेज भी इनको बड़ा साफ साफ देना चाहिए। तो ये आने के बाद क्या करेंगे इसके लिए अभी तक कुछ बताया नहीं है इन्होंने। ये बात करते हैं अडानी की, ये बात करते हैं कि सारी जो सरकारी संपत्ति है प्राइवेट हो गई है, तो ये सब कहना। शकील साहब आज तो बात हुई है, ईवीएम पे प्रस्ताव पारित हुआ है, तो अब इसको कैसे प्रस्ताव हम तो हमने कहा प्रस्ताव तो 8 साल पहले भी हुआ था, वही तो हम कह रहे हैं बार बार, प्रस्ताव पास होने से नहीं होगा, आपको मैसेज देना पड़ेगा। प्रस्ताव 8 साल पहले कांग्रेस के सम्मेलन में हुआ था, जो इससे बड़ा सम्मेलन था, उसमें ही प्रस्ताव पास हुआ, राहुल गांधी से बोले भी थे। बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको कड़ा मैसेज देना पड़ेगा कि हम ईवीएम हटा देंगे, ईवीएम से अब वोटिंग नहीं होगी और जो करने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए बिना कड़ाई करे अब काम चलने वाला नहीं है, ये ढीला ढाला रवैया जो है उससे कोई फायदा नहीं होगा, न इंडिया गठबंधन को न कांग्रेस को। इसलिए कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को अब थोड़े जो है नए तेवर के साथ जनता के बीच जाना होगा। आज दिखाई भी दे रहे थे ये लोग, नए तेवर के साथ दिख भी रहे थे, जो आप कह रहे हैं इनके बॉडी लैंग्वेज से साफ